हरि बो हरि बो हरि 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 बो हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा। सुंदर गोपाल कहाँ है? बस में। हरे कृष्ण सुंदर गोपाल, हरे कृष्ण। हाँ सुन लो, इधर सुन लो, मेरे तरफ में देखो, एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुंदर गोपाल बोलो, आ जाओ, ठीक तो बाद में बोलो। हरे कृष्णा। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अभी जहाँ पर पहुंचे हैं, ये स्थान का नाम है मान सरोवर। क्या नाम है? मान सरोवर। मान सरोवर मतलब है राधा रानी मान करके यहीं पर आई और उन्होंने इतना रोई, कृष्ण विरह में इतना रोई, जिनकी आंखों का आंसुओं से ये पूरा सरोवर बन गया। आंखों के आंसुओं से ये सरोवर बन गया। आप बोलोगे आप लोग भी तो कोई मान किए कि नहीं, कौन कौन मान किए हो? सबके सब किए हो कि मान संसार में होता रहता है, है? कहते क्या मान से मान करने पर इतना पानी निकलेगा जो कि ये पूरा सरोवर भर जाएगा, कोई प्रश्न होगा ना? कितना आंसू? 1 किलो निकल सकता है, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, इससे तो ज्यादा निकलेगा नहीं, लेकिन ये क्या हो सकता है पूरा सरोवर ही भर जाए पानी से? कहते राधा रानी के लिए कोई असंभव नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में हैं, वहाँ पर महाप्रभु जब भक्तों को बीच में कीर्तन करते थे, महाप्रभु का आंखों से इतने आंसू निकलता था, जो पिचकारी होता है ना, आस पास में लोग सबके सब भीग जाते थे। महाप्रभु जहाँ कीर्तन करते थे वहाँ पर कीचड़ कीचड़ हो जाता था, इतने आंसू बहते थी महाप्रभु को। महाप्रभु कृष्ण विरह में, महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण स्वयं राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए, इसलिए उनके लिए कोई असंभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर मान क्यों हुआ? इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं ये जो मान है ना, है ये जो मान है, आप बताओ मान कब होता है? आप लोगों ने माता है सब कभी बीच बीच मान की करती होगी, पता ये मान कब होता है? मान तभी होता है जब पत्नी को पता चले अगर मैं मान नहीं करूंगी तो मेरे जो पति है ना ये मनाए बगैर रह ही नहीं सकते, मेरे को मनाए बगैर इनका काम नहीं चलेगा, जरूर ये मेरे को मनाएंगे। देखना तभी स्त्री मान करती है, लेकिन अगर कोई स्त्री मान कर पति पिटाई करना शुरू करता है, देखना वो पत्नी कभी मान नहीं करती होगी। मान वही स्त्री करती है जिसको पता मेरे बगैर इनका कोई काम नहीं चलेगा, इसलिए तभी ये मान होता है। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी कहते जो मान है कहते जो मान दो तरह के, मान कितने तरह के? दो तरह के। कहते एक बिना कारण के होता है मान, और एक होता है कारण को लेकर के मान होता है, दो कारण से मान होती है। कहते जो कारण को जो लेकर के मान होता है वो बोले तीन तरह के, कितने तरह के? तीन तरह के। बोले जैसे अगर पति कहीं जाता है, अगर बिना बोले कहीं छुप करके चले जाता है, लेकिन अगर वो आने का बाद उसका मन अपसेट देखे पत्नी, तो उसको मन में क्या होता है? शंका होती है, हो ना हो और किसको तो प्रेम नहीं कर रहा है, क्यों? जब अगर जाएगा तो बोल करके तो जाएंगे, बिना बोले क्यों जाते हैं? हाँ उनको मन में अगर कोई अनबन सा देखे तो इसको कहते हैं ये मान, किसको कहते हैं मान को? अनुमान करके, हो ना हो और किसको तो प्रेम नहीं करते, ये एक तरह का मान। दूसरे तरह का मान होता है कहते हैं देख करके, अगर पत्नी अगर देख लिया और किसी स्त्री को साथ में अपना पति को, तब क्या होता है? अब क्या कर रहे थे उससे, क्यों हंस कर बात कर रहे थे, तब फिर क्या होता है? फिर मान होता है, ये एक मान होती है।
और तीसरा तरह का मान होता है सुन करके मान होता है। ये रूप गोस्वामी ये उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में इसकी विवेचना करते हैं, मान कितने तरह का मान होता है। इसलिए यहाँ पर एक समय कहते हैं कभी उन्होंने सुन करके मान किया, बोले क्या सुन करके, एक समय क्या हुआ कृष्ण वृंदावन में ब्रज गोपियों को साथ में कृष्ण रास कर रहे थे, जब रास कर रहे थे राधा रानी ने एक सुंदर फूलों की माला बनाया। कहते कैसे माला थी, बोले बिना धागा की माला थी। ऐसे कुछ फूल होते हैं बगैर धागा के भी जो माला बन सकती हैं। राधा रानी प्रेम से बड़ी सुंदर उन्होंने माला बनाई, माला बना करके उन्होंने कृष्ण को पहनाया प्रेम से। लेकिन कृष्ण ने किया क्या, वो माला को उतार करके किसी पेड़ में लटका दिया, क्योंकि इसलिए माला थी मोटी राधा रानी से मिलने के लिए कष्ट नहीं हो, बीच में बाधा नहीं हो। कृष्ण ने वो माला को उतार कर किसी पेड़ में लटका दिए। इतने में एक सूख पक्षी था, ये सूख पक्षी ने वो माला को ऐसे पकड़ करके वो आकाश में उड़ते हुए जा रहा था। जब उड़ते हुए जा रहा था इतने में चंद्रावली नाम जाने हो कृष्ण की विशेष करके दो सबसे बड़े प्यारी है, एक राधा रानी और एक चंद्रावली। ये चंद्रावली और कोई नहीं, ये दो भाई का दो बहनी है, दो भाई का दो बेटी है, हैं? दो भाई का ये दो बेटी है। इसलिए राधा रानी ही कृष्ण की सेवा के लिए चंद्रावली को प्रकट की। बोले क्यों, देखना एक पति का अगर देखो ये जो अपराकृत जगत का ये परछाई है, तभी नहीं तो परछाई अगर नहीं होगा ना हमारे समझ में नहीं आएगा। जैसे एक पति का एक पत्नी, पत्नी को पता है मैं खिलाऊंगी तो खाएगा, नहीं खिलाऊंगी तो कौन रोटी खिलाएगी। लेकिन अगर एक पति का अगर दो पत्नी हो ना, देखना उसमें होड़ कैसे लगता है। दोनों कोशिश करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा पति की ऐसी सेवा करें जो पति हमारी अधीन में रहे, पति हमारी अधीन में रहे। इसलिए यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर क्या किए राधा रानी स्वयं, राधा रानी कहते स्वयं अपना, देखो देखिए गिर पड़े। मैंने बताया था वहां कोई जाना, वो बच्चा कहाँ गया, वो बच्चा गया कहाँ, किसको खड़ा मैंने किया था। कृष्णा अभी वो माला लेकर के जा रहा था, इतने में चंद्रावली राधा रानी ने ही अपनी एक प्रकाश में चंद्रावली रूप में प्रकट हुई। बोले क्यों, बोले कृष्ण को जितने से ज्यादा जैसे हम आनंद दे सकते हैं, हाँ कंपटीशन के द्वारा ही एक दो बच्चे देखना कंपटीशन में पढ़ाई भी ज्यादा करते हैं। इसलिए राधा रानी ही प्रकाशित हुई कृष्ण को ज्यादा से ज्यादा आनंद देने के लिए, हैं? इसलिए दोनों एंटीपाथी है। राधा रानी चाहती है मैं ज्यादा से ज्यादा कृष्ण को आनंद दूं, चंद्रावली चाहती मैं इतने सेवा करूं कृष्ण मेरे पास में आए, राधा रानी चाहती मैं इतने सेवा करूं कृष्ण मेरे को छोड़कर कहीं जाए नहीं। केवल कारण है कृष्ण को आनंद देने के लिए ही सारे प्रयास है। इतने में चंद्रावली ने देखा वो पक्षी वो एक सुंदर फूल की माला लेकर जा रहा है। इतने में चंद्रावली उस तोते को लोभ दिखाया, बोले देख तेरे को मैं अनार की दाना खिलाऊंगी, इसलिए तुम ये माला को मेरे दे दो। क्यों, वो माला किसकी माला, कृष्ण की, कृष्ण की। देखो दो भैया जाएगा, तुम किस लिए खड़ा किया, इसलिए ये सब बेवकूफ जिनको खड़े किया ना सब बेवकूफ आदमी खड़े हुए, जो जा रहे हैं वो। बोले अनार की दाना खिलाऊंगा, माला मेरे को दे दो। वो तोता ने किया कि वो माला को दे दिया, किसको माला दे दिया, वो चंद्रावली को। चंद्रावली ने किया कि वो जो माला थी ना कृष्ण की प्रसाद की माला को उन्होंने अपना चोटी में सुंदर करके उन्होंने श्रृंगार कर दी। इतने में थोड़ी देरी बाद में जो ललिता, ललिता कौन है, राधा रानी की अत्यंत प्रिय सखी, सबसे प्यारी सखी है ललिता है, सबसे श्रेष्ठ सखी ललिता। थोड़ी देरी बाद में देखती है राधा रानी प्रेम से जो माला बना करके कृष्ण को पहनाया था वो भी कृष्ण की गला में नहीं, कहां पर है, चंद्रावली की चोटी में। इतने में ललिता बोले देखो राधे तुम कितने सुंदर प्रेम से तुमने माला बनाई और कृष्ण को तुमने पहनाया, देखो ये माला कहां पर है, कहां पर, चंद्रावली की चोटी में। राधा रानी ध्यान देकर कहते बोले सही बात तो सही, ये माला तो मैंने पहनाया था, फिर पहनी फिर चोटी में कैसे गई। इतने में राधा रानी मान कर दी, देखो ये चीज आपको संसार में होता है इसलिए आप हंस रहे हो, लेकिन अगर ये संपूर्ण हमारे दिमाग से बाहर होता ना अब हंसता नहीं, क्योंकि ये चीज को समझ रहे हो। फिर आप समझोगे, क्या समझोगे, इसी जगत में जैसे ईर्षा द्वेष एक को देखकर करती है, राधा रानी के अंदर में भी ऐसे ईर्षा द्वेष है। अब सब ऐसे आता है ना, बोले नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, क्योंकि वो जो राधा रानी उस कृष्ण की लादनी शक्ति वहां पर ईर्षा द्वेष है नहीं, तब फिर आप बोलोगे फिर राधा रानी क्यों मान करती है, है? क्यों मान, कारण है इनका नाम राधा, क्या नाम है, राधा मतलब क्या है,
बोले जो संपूर्ण रूप में कृष्ण को आराधना करने में, कृष्ण को आनंद देने में जो परिपूर्ण है, जो कृष्ण को विशेष करके आराधना करती राधा, इसलिए राधा रानी को ये पता है मैं जितने कृष्ण को आनंद दे सकती हूँ उतना आनंद कृष्ण को कोई नहीं दे सकते हैं, सबसे श्रेष्ठ आनंद मैं दे सकती हूँ। अगर वो और कहीं गए तो क्या होगा, कृष्ण को जैसे सेवा करनी चाहिए, जिसको जैसे आनंद देनी चाहिए, कृष्ण आनंद नहीं हुए, कृष्ण पूर्ण आनंद नहीं हुए। और जो कृष्ण के सुख में जो सुखी, कृष्ण के दुख में जो दुखी, इसलिए मान करती है। लेकिन ऊपर से क्या, जैसे ईर्षा द्वेष करते हैं एक दूसरे से, ईर्षा नहीं, ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं, वो तो कहां दिव्य अपराकृत लीला है, हैं? इसलिए राधा रानी मान की, मान करके जहां पर हमारी मंदिर है ना, देना चार गली है, मान गली, दान गली, कुंज गली और जमुना गली, चार गली है, वहां पर एक गली इधर आई है, वही से ही राधा रानी मान करके राधा रानी यहीं पर आ गई। और उतने कृष्ण विरह में इतने रोई और उनकी रोने से आंखों का आंसू से ये सरोवर संपूर्ण रूप में ये सरोवर बन गया। इसलिए इसका नाम है, क्या नाम है, मान सरोवर। ये कभी मान हुई, और कभी अनुमान करते हुए मान, कभी उन्होंने देख करके मान कर ली, कभी उन्होंने अनुमान किया, बोले कैसे अनुमान, अभी कृष्ण राधा रानी कभी यहीं पर आकर के सुंदर उन्होंने कुंज बनाए हैं अपना हाथों से, सुंदर फूलों से, लता से, पता से कुंज बनाए। और राधा रानी का एक तोता है, हैं? एक तोता है जो विचक्षण तोता, बड़ा चतुर तोता है, वो क्या करते हैं ना, आकाश में घूमता रहता है, और कृष्ण कहाँ गए नहीं गए सारे खबर राधा रानी को देती है। इतने में कृष्ण गोचारण करने के लिए आए, आ करके उन्होंने वो तोते को द्वारा खबर पहुंचाए, क्या पहुंचाए, आज यहीं पर राधा रानी कुंज बनाएगी, राधा रानी को साथ में कृष्ण का मिलन यहीं पर होगी। इतने में कृष्ण सखाओं को साथ में गोचारण करने के लिए आए, और गोचारण करके आ करके उन्होंने क्या की, उन्होंने सखाओं को बीच में रख करके उन्होंने कृष्ण बोले आज कहीं निमंत्रण है, इसलिए उन्होंने बहाना बना करके राधा रानी से यहीं मिलने आ रहे थे। जब मिलने आ रहे थे, अभी जो चंद्रावली का, जैसे राधा रानी का मेन सखी कौन है, ललिता, चंद्रावली का भी एक सखी पद्मा, वो भी चाहती है कृष्ण को लेकर के चंद्रावली से मिलाए, बीच में चंद्रावली से कृष्ण से मिलन हुई, बोले देखो श्याम सुंदर, चंद्रावली तुम्हारे लिए सुंदर कुंज बनाए। इतने में कृष्ण को उन्होंने बीच से ही लेकर चले गए। जब चले गए, वो जो तोता है ना आकाश में घूम रहा था, वो देख लिया बीच से किससे अपहरण, कृष्ण अपहरण हो गए। उन्होंने आकर के राधा रानी को बोले देखो राधे, आज जो सुंदर तुमने कुंज बनाई, तुमने जो सुंदर श्रृंगार की कृष्ण के लिए, ये कुंज भी बेकार, तुम्हारी श्रृंगार भी बेकार। बोले क्यों, बोले बीच में कृष्ण अपहरण हो गए, ये चंद्रावली उनको अपहरण करके ले गए। इतने में राधा रानी मान कर लेती है, मान करती, जब कृष्ण आए बड़े देर से, राधा रानी को पता और कहीं गए हुए, राधा रानी मान की। इतने में राधा रानी कह रही है आप इतने लेट क्यों किए, आप बोलते इस समय आने के लिए, इतने लेट में क्यों आए। इतने में कृष्ण झूठ बोल देते हैं, बोले देखो राधे, मैं तो तेरे साथ में मिलने ही आ रहा था, लेकिन बीच में एक तमाल वृक्ष देखा, तमाल वृक्ष जानते हो, देखो ये तमाल वृक्ष देखो, कृष्ण जैसे काले है ना, ये ब्रज में ये तमाल वृक्ष को कृष्ण रूप मानते, ये वृक्ष को देखो, इसको कहते हैं तमाल वृक्ष है, कृष्ण का रंग जैसे, वृक्ष का रंग जैसे, ये तमाल वृक्ष माने कृष्ण स्वरूप है। कृष्ण बोले तमाल वृक्ष को देखा, उसको ऊपर के माधवी लता, एक लता का नाम माधवी फूल है, वो माधवी लता उसको ऊपर में चढ़ा हुआ, वो माधवी लता देखकर तेरे याद आ गए, और ये तमाल वृक्ष देखकर के मेरे याद आ गया, मेरे को ऐसे लगा जैसे तुम्हारी और हमारी मिलन है, और तेरे इसको देख करके ना तेरे स्मरण आया, तो मैं बीच में बेहोश हो गया था। बोले कृष्ण झूठ बोलते है, जब बेहोश हो गए थे, बोले इतने में कृष्ण राधा रानी को पता जो बीच में चले गए थे, इतने में उनकी चरण में सिंदूर लगा हुआ था, बोले सिंदूर कहां से आ गई, बोले प्यार में कांटा चुभ गया था, प्यार में कांटा। इतने में राधा रानी तो जोर से माना की, बोले इतने धूर तो इतने काले तुम, बोले आज इनको यहां से निकाल दो, कृष्ण को वहां से निकाल दी। जब निकाल दिए कृष्ण तो बड़े दुखी हो गए, दुखी होकर के उन्होंने ललिता को पास में गए, ललिता क्या करती है, राधा कृष्ण का जुगल मिलन कराती है, राधा कृष्ण को मिलन करके ही वो आनंदित होती है। तब ललिता थे, उन्होंने बोले ललिता बताओ अभी मैं क्या करूं, राधा रानी तो मान की, बोले काम करो, जब तक राधा रानी तुम्हारी साथ में नहीं मिलेगी ना उनको, तब तक इनको शांति नहीं, आनंद नहीं मिलेगी, एक काम करो ये कृष्ण रूप को छोड़ो, त्याग दो, और बड़ी सुंदर एक श्यामा सखी का रूप धारण करो, और इतने सुंदर राग रागिणी गाओ
जैसे पेड़ से मधु झरना शुरू हो जाए, एकदम पत्थर द्रवीभूत होकर पानी पानी जैसे बन जाए, इतने में कृष्ण स्वयं इतने सुंदर राग रागिणी गाए, पत्थर पिघलने लग गया, पेड़ से मधु झरना शुरू हो गया, सारे स्थावर जंगम स्तंभित हो गए। राधा रानी बोली, ललिते इतने सुंदर राग रागिणी से कौन गा रहा है? बोले स्वर्ग से एक गंधर्वनी आई है, उसने गा रही। बोले तो बड़ी सुंदर भजन गा रही है। बोले उसको बुला करके ला, उसको पूछो क्या करती है। बोले वो उसने कृष्ण के पास में गए ललिता। बोले कृष्ण, बोले देखो मैं जिनकी चरण की सेवा कर दूं ना, प्यार दबा दूं, जिनके मैं श्रृंगार कर दूं, उसके हृदय के सारे व्यथा दूर हो जाता है। बोले हमारी राधा रानी भी बड़ी दुखी है, आप जरा राधा रानी को श्रृंगार कर दो। जब कृष्ण स्वयं यहीं पर आकर के उन्होंने राधा रानी को श्रृंगार की, चरण की जब सेवा की ना, जो उनकी हृदय में जो व्यथा था कृष्ण विरह की, अपने आप दूर हो गया। राधा रानी सोच रही है, जब तक मैं कृष्ण से नहीं मिलूंगी ना, तब तक मेरे हृदय की व्यथा कभी दूर नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो बोली बोलता है, मेरे हृदय में इतना आनंद क्यों आता है? जब उसने मेरे शरीर को श्रृंगार की, इनके हाथ का स्पर्श पा करके मेरे रोम रोम खील क्यों रहा है? क्योंकि कृष्ण के बगैर मेरे को कोई भी आनंद नहीं दे सकते। ललिता से इशारा की, ये कौन है? बोले ये और कोई नहीं, कृष्ण ही। ये श्यामा सखी रूप धारण की है तुमको मनाने के लिए। इतने में यहीं पर राधा कृष्ण की यहीं पर उनको जुगल मिलन हुई। इतने में राधा रानी ने सोचा इनका, हाँ उनको जो स्वरूप को प्रकाश कैसे हो। बोले देखो तुम जो कपड़ा पहन रखी ना, ये गंधे, देखो हम राजकुमारी कितने सुंदर सुंदर कपड़ा पहने, और तू कहाँ से महिला कपड़ा पहने, इसका कपड़ा को बदला दे, हम तुम्हें नया कपड़ा देते। कृष्ण देखा सारे पोल खोल जाएगा, फिर मैं तो सखी सखी नहीं, मैं तो सखा हूँ। इतने बोले लड़की लड़की के अंदर में कोई कपड़ा बदलाने में थोड़ी कोई हिचकिचा रहे, हमारे सामने हम तो लड़की लड़की है, कृष्ण किसी तरह से कपड़ा छोड़ना नहीं चाहते। इतने में जो सर के ऊपर में जो सुंदर चुंदरी था ना, उन्हें जोर जबरदस्त सुंदरी को उन्होंने खींच दिया। जब खींच दिया ना, देखा वो सखी नहीं, कौन है? सखा कृष्ण चंद्र। इसलिए यहीं पर उनको जुगल मिलन हुई थी। इसलिए ये जो सरोवर है, ये मान सरोवर है। देखो ये जगत में जो मान है ना, कभी मान किए हो? मान तो किए होगे। आप देखना, अगर पत्नी मान करती है, अगर पत्नी अपना टाइम पर पति अगर पत्नी को नहीं मनाती है, फिर क्या होता है? क्रोध होता है। क्रोध क्रोध में कभी कभी परिणत हो जाता है, इतने क्रोध में परिणत हो जाता है, फिर धीरे 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 कहते आई लव यू आई लीव यू, फिर आई है आई लव यू आई लीव यू आई किल यू, फिर जाकर कोर्ट में जाकर के डाइवोर्स का जाकर नौबत आ जाती है इसी जगत में। लेकिन वो अपराकृत जगत में ऐसे नहीं, वो जो मान है ना, वो प्रेम विशेष है। वहां पर जो मान है क्या करता है, उनको दोनों में मिलन में उत्कंठा दिलाती है। हैं? राधा रानी जब मान करती है, जब एक दो दिन बात नहीं होती, उसको बाद में फिर जो बात होती है, फिर उनके अंदर में नया आनंद आता है। जो मान है, अब सुना था ना, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्त रुचि निष्ठा आसक्ति भाव प्रेम, प्रेम को ऊपर में जाकर के जैसे दूध को गर्म करते करते राबड़ी बनता है, ये जो मान है कहती ये मान कुटिल गति है, ये टेढ़ी मेढ़ी चलती है मान। इसलिए स्नेह मान, ये मान कोई साधारण वस्तु नहीं। लेकिन लगता है जैसे संसार में हम भी मान करते हैं, पति हमें मनाते, लगता है ऐसे। हाँ, वो अपराकृत जगत है, ये परछाई है। अगर उसी जगत में प्रेम नहीं होता तो यहाँ पर वो चीज नहीं होती। इसलिए हम लोग मान सरोवर में आए हैं। हम लोग जब अंदर में आते थे ना, वहां पर एक सुंदर जंगल सा, गुरु जी हम लोग को साथ में वो अंदर में बैठा करते थे। वहां पर वृक्षों को देखोगे ना, वो भी मान करके टेढ़ी मेढ़ी, मानो राधा जी की भाव में विभाजित हो। अंदर में वो वृक्षों को देखोगे जैसे वो लेट हुए है। गुरुदेव कहते थे ये वृक्ष नहीं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग यहाँ पर तपस्या कर रही है राधा रानी की कृपा को पाने के लिए। देखो एक सही घटना सुनाता हूँ। हमारे जो बड़े गुरु जी थे ना, बरसाना में वहाँ परिक्रमा हो रहा था, उस समय इतना अच्छा व्यवस्था, जैसे आप लोग आटा जो बात उनको गर्म पानी चाहिए, लेकिन पहले ऐसे नहीं रहता था। उस समय जब हम आते थे, बोतल में पानी लेकर जंगल में शौच क्रिया के लिए जाते थे, क्योंकि ऐसे व्यवस्था नहीं थी। एक व्यक्ति ने क्या किया, वो जंगल में कहीं पर उन्होंने गए शौच क्रिया करने के लिए, किसी पेड़ को नीचे उन्होंने अपना शौच क्रिया किया। हमारे जो बड़े गुरु जी को स्वप्न आया, वो वृक्ष ने स्वप्न दी, बोले बाबा आपका कोई एक शिष्य आ करके, मैं संत बन करके वृक्ष रूप में भजन करता हूँ, मेरे नीचे आकर के पायखाना करके जाता है, इसका दुर्गंध आती है, आप उसको मना कर देना, यहाँ पर पायखाना नहीं करना। एक वृक्ष ने गुरुदेव को स्वप्न दिया। गुरुदेव ने जब कथा कर रहे थे, तब उन्होंने बताया, भैया मेरे को एक संतों का स्वप्न आया है, हमारे शिष्य में कोई एक व्यक्ति
अमुक जगह पर एक वृक्षा है, वहां पर जाकर शौच क्रिया करता है। वो वृक्षा नहीं, वो स्वप्न मेरे को दिया, वो कोई संत भजन कर रहे वृक्ष रूप में। इसलिए कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे होई। उन्होंने गुरुदेव ने मना किया ऐसे नहीं, कितना बार। इसलिए गुरुदेव कहते थे जब ब्रजमंडल परिक्रमा कर सावधान, किसी पेड़ का टहनिया मत तोड़ना, किसी पेड़ का कोई आपने पता नहीं तोड़ना। आप लोग जो इमली तला है ना, वो वृक्ष क्या है, वो संतत है। किसने पास में घर बनाने के लिए चोट लगाया तो 7 दिन तक खून गिरा था वृक्ष से, 7 दिन तक। जिसने चोट लगाया था ना, सबंश में ध्वंस हो गए। इसलिए गुरुदेव सावधान करते थे किसी पेड़ का टहनिया नहीं तोड़ना, किसकी पत्ता नहीं तोड़ना, क्योंकि यहाँ के जो वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं। इसकी बहुत बहुत प्रमाण हम जाएंगे स्थान स्थान पर सुनेंगे। इसलिए जो स्थान हम लोग आए हैं, ये मान सरोवर आए हैं, राधा रानी मान की थी, इसलिए यहाँ पर मान मंदिर, यहाँ पर एक मंदिर है, उसको अंदर में वहां पर राधा रानी बैठी हुई और कृष्ण उनका चरण में बैठे हुए और उनको मान मना रहे थे। जब कभी जयदेव का आखिर पद्य है, कहते स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद पल्लव मुदारम। जब कृष्ण ने बहुत कोशिश की मनाने के लिए, राधा रानी किसी तरह से मानी नहीं, कृष्ण अपना मौर मुकुट उतार कर रख दिए। बोले हे राधे अभी तो मान जा, तब भी नहीं माने, अपना बंसुरी को उतार कर रख दे। बोले राधे ये बंसी को द्वारा मैंने त्रिभुवन को आकर्षण करता हूँ, इसका भी ताकत तेरे अंदर में, मौर मुकुट क्यों रखा। कृष्ण बड़े सुंदर नृत्य करते हैं, सारे नित्य विद्या भी तेरे चरण में। लेकिन तब भी राधा रानी जब नहीं माने, लास्ट में कृष्ण कहते हैं हे राधे मैं अपना सर भी तेरे चरण में झुका देता हूँ, तुम्हारी चरण तो बड़े उदार है, तुम चरणों को मेरे सर पर रख लो। जब बोले ना, कभी जयदेव लिख रही है पद्य को, उन्होंने देखा अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक राधा रानी के चरण में सर कैसे झुकाएंगे, कहां स्त्रियां पति को चरण में सर झुकाते हैं। यहां पर तो कृष्ण राधा जी के चरण में, वो लिख नहीं सके, हाथ कांप उठा। उन्होंने अपना पत्नी पद्मा को बोले मैं गंगा नहाने जाता हूं, थोड़ी देर में आता हूं। कृष्ण स्वयं उनका रूप धारण करते आए, कृष्ण स्वयं उनके रूप धारण करते, बोले दो तो कापी दो तो मैंने कोई पद याद आ गया, भूल नहीं जाओ। जब उन्होंने कापी दिया ना, कृष्ण स्वयं वो पद को पूरा करके गए। दही पद पल्लव मुदारम, मैं अपना चरण को तेरे चरण में झुका रहा हूं। लेकिन जब असली जयदेव आए ना, पत्नी पद्मा नाम थी, बोले आप तो बड़े जल्दी आ गए। बोले नहीं तभी गया था। बोले नहीं अभी अभी आए थे आप। बोले कोई पद याद आ गया था, मैंने कापी दिया लिखा। बोले कापी ले आओ। जब कापी लाए ना, देखा सोने की अक्षर में कृष्ण स्वयं उसकी पूरी करके गए। बोले राधा रानी के चरण की मैं स्वयं जिनके चरण को मैं सर पर धारण करता हूँ, कृष्ण लिख कर गए। इतने में कभी जयदेव पत्नी के चरण में गिर गए। बोले तू बड़ी सौभाग्यवती हो, और वो कोई नहीं, ये स्वयं छलिया, ये कृष्ण मेरे रूप धारण करके आए और ये पद्य को पूरा करके गए, मैं जिस पद्य को लिख नहीं सका। इसलिए भगवान स्वयं इसको राधा जी की चरण को सर पर रखना चाहते हैं। कृष्ण स्वयं ये बात को प्रमाणित करके भगवान दिखा। इसलिए ये जो स्थली है अत्यंत अत्यंत दुर्लभ स्थली गुरुदेव कहते थे। इसलिए इस स्थान का एक नाम राधा रानी कहते, क्या कहते हैं, क्योंकि जहां पर राधा रानी की सर्वश्रेष्ठ तो जहां पर स्थापन हुई। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान, हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में यहाँ पर आए हैं। बोले श्रीमान सरोवर की। हाँ, हमारे सुंदर गोपाल प्रभु कुछ विशेष विशेष बात करेंगे मान के ऊपर में। महाराज जी ने दो प्रकार का मान बताया, एक हेतु और एक अहेतु। अहेतु के महाराज जी ने 3 प्रकार के तो बता दिए, अहेतु का महाराज जी ने छोड़ दिया मेरे लिए। तो अहेतु का मान क्या होता है, जिसमें कोई हेतु ही नहीं होता। राधा जी कृष्ण को देख रही है, देखते ही देखते कृष्ण के जो वक्षस्थल है वो कैसे मानो मणि के समान है, और राधा जी ने वहां पे एक गोपी की छाया देखी, और जब एक गोपी की छाया देखी तो राधा जी ने मान कर लिया कि आप कितने दुष्ट हो कि मेरे ही सामने अपने वक्षस्थल पे किसी और गोपी को धारण करते हो, जाओ मैं आपसे बात नहीं करूंगी। और उतने में ही जो बाकी सारी सखियां हैं वो हंसना शुरू करती है, बोलती वो और कोई गोपी नहीं, वो कौन है, राधा जी आपका ही प्रतिबिंब है। तो ये होता है बिना हेतु के, कई बार राधा जी बिना हेतु के मान कर लेती है, और जब बिना हेतु के मान कर लेती है तो उतने में क्या होता है, कृष्ण कहते हैं अरे वाह वाह तुझे मान भी नहीं करना आता, एक तरफ तो तूने मान करा हुआ है, एक तरफ से तो गाल नीचे झुक रहा है और एक तरफ से ऊपर उठ रहा है। क्योंकि राधा जी मन ही मन में मान तो करा हुआ है, लेकिन बिना हेतु के, तो मन ही मन में राधा जी हंस भी रही होती है। तो ये होता है बिना हेतु के। हमारे शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने कीर्तन में कहते हैं कि अगर किसी को कृष्ण भक्ति चाहिए तो उसको 3 चीजें चाहिए होंगी,
ये तीन अगर उपकरण होंगे तब जाके कृष्ण भक्ति मिलेगी। बड़ा ही सुंदर कीर्तन है जिसमें शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं, राधिका चरण पद्मा सकल शेयर सदमा जतने जे नाही आराधीलो। सबसे पहले बताया राधिका चरण पद्मा, राधा जी के जो चरण पद्म है जिन्होंने उसका अच्छी तरह आराधना नहीं किया तो उनको कृष्ण भक्ति नहीं मिल सकती। तो सबसे पहला उपकरण क्या है, राधा जी के चरणों का आश्रय लेना। फिर दूसरा बताया भाई राधा जी के चरणों का आश्रय ले तो ले कैसे। फिर आगे बताया राधा पदांकित धाम वृंदावन जार नाम जाहे ताहे जेना आशय लईलो। बताया राधा जी के चरणों का जो पद अंकित धाम है वो क्या है, वृंदावन धाम है। वहां पे जगह जगह पे राधा जी के चरणों की रज है तो इसलिए जिनको राधा जी के चरणों का आश्रय लेना है फिर कहां पे आना पड़ेगा, वृंदावन धाम में आना पड़ेगा। लेकिन वृंदावन धाम में आने से भी होगा नहीं। फिर बताया तीसरी वस्तु क्या है, बताया राधिका भाव गंभीर चित्ते जे बा महाधीर गण संग ना कैलो जीवाने। राधिका भाव गंभीर, राधा जी के भाव बहुत गंभीर है, दिख ही रहा है कितना पूरा अश्रु से सरोवर बन गया। राधिका भाव गंभीर चित्ते जे बा महाधीर, ऐसा कोई महाधीर व्यक्ति जो अपने चित्त में राधा जी के उन भावों को अंगीकार करके उनकी सेवा करता है। गण संग ना कोईलो जीवने, जिन्होंने ऐसे भक्तों का संग नहीं किया। केमन से श्यामानंद रस सिंधु स्नान अनंत लुभी पे भुजे भी एक मने, अरे भाई वो व्यक्ति कभी भी उस श्यामानंद में फिर स्नान नहीं कर सकता। इसलिए बताया ये तीन चीजें, राधा जी के चरणों का आश्रय लेने के लिए वृंदावन धाम, और ऐसे भक्त जिन्होंने संपूर्ण रूप से राधा जी के चरणों का आश्रय लिया है, जिन्होंने राधा जी के भावों को अपने चित्त में महाधीर बन के स्थान दिया है, ऐसे जो भक्त हैं जब हम उनके संग में इन सारे स्थानों पे आएंगे तब जाके ही हमारी परिक्रमा होती है। हमारे गुरुदेव जब यहाँ पे आते थे, जैसे महाराज जी बता रहे हैं अंदर जो वृक्ष है, गुरुदेव जब यहाँ पे आते थे गुरुदेव इतना भाव विभोर हो जाते थे, गुरुदेव उन वृक्षों के ऊपर पूरा लेट के पूरा साष्टांग उस धरती पे दंडवत प्रणाम करते हुए क्रंदन करते थे गुरुदेव श्री त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे स्थान उद्दीपन वस्तु हैं जो अब एक साधक के हृदय के अंदर क्या करते हैं, ब्रज की उस वस्तु का उद्दीपन करते हैं। अरे ये वही स्थान है जहाँ पे राधा जी बैठी थी और राधा जी कृष्ण के वीरे में थी, उनके भावों का चिंतन करते हुए फिर साधक के हृदय में भी क्या आता है, वो अग्नि जो वीरे की है वो स्पर्श करती है। जिस दिन हमारे हृदय में वो वीरे अग्नि स्पर्श कर जाएगी, वास्तविक में उसी दिन ही हमारी परिक्रमा सार्थक मानी जाएगी, उसी दिन ही हमारा भजन भी सार्थक माना जाएगा। इसलिए हमें जो भजन की पद्धति दी है, हमको जो गुरुवर्गों ने जो भजन की पद्धति दी है, इसी के माध्यम से एक दिन ऐसा होगा जब जाके हमारे हृदय के अंदर वो वीरे अग्नि स्पर्श करती है। उदित तपन हईले अस्त दिन गेलो बोली हई बे व्यस्त। हम लोग सुबह आए थे, देख रहे थे सूर्योदय हो रहा था, जब यहाँ पे आए तो देखा सूर्य वहां पे था जब महाराज जी कथा शुरू करी थी। अब महाराज जी ने कथा खत्म करी, सूर्य ही गायब हो गया। तो ये क्या है, उदित तपन हईले अस्त दिन गेलो बोली हई बे व्यस्त। शीला भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं पूरा दिन हमारा संसार के काम में ही निकल जाता है। तबे केनो केबे भजन करी तबे केनो एबे आलस होई ना भज हृदय माझे। और हम लोग तब भी आलस करते रहते हैं, अपने हृदय में कृष्ण का भजन नहीं करते। जीवन अनित्य जाना हो सार ताहे नाना विद विपद भार। जीवन अनित्य है, नहीं पता कि कब आज है और कब कल नहीं है। यही आसे यही नहीं, इस जगत में सारी वस्तु ऐसी है, आज है और कल नहीं है। इंद्र ब्रह्मा बड़ी बड़ी पदवी भी आज है और कल नहीं है, तो हम जैसे शूद्र जीवों का तो कहना ही क्या। इसलिए अगर हम लोग अच्छे से भजन करेंगे, जो हमको हरि नाम की पद्धति मिली है उसको करेंगे, तब जाके इन स्थानों के साथ हम अगर थोड़ा सा भी हमारा संबंध युक्त हो जाता है, किसी प्रकार से भी इन स्थानों के साथ हमारा संबंध युक्त हो जाता है, हृदय में विरह जाग जाता है, तब तो समझना कि हमारा मनुष्य जीवन सफल हुआ है। ये सारी स्थानों के पास जाके जो गुरुदेव बोलते थे बार बार, वही प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलियन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। कि हमें इन सारे स्थानों से एक ही वस्तु चाहिए, क्या चाहिए, उत्तमा भक्ति। ब्रज की जो भक्ति है वो ही इन सारे स्थानों से मांगनी है। इन सारे स्थानों के पास जा जाके प्रणति करी या मांगी ब कृपालेश, प्रणति करते हुए इन सबसे यही स्थान से यही वस्तु बार बार मांगनी है। इतना ही बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। नितई गौर प्रेमानंदे हरी हरी।